सत्यापन करने से यानी प्रूफ करने से फ़ायदा ये है कि तो प्रूफ हो रहा है और आपको याद हो रहा है। वो चीज़ें जब प्रूफ करके आप याद करते हैं तो वो कभी भूलने वाला नहीं है, कभी भूलने वाला नहीं है। ये मेरा ट्रिक है याद करने का। तो स्टूडेंट, किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे बड़ा आपका जरिया बता रहे हैं कि उसको लिखिए। लिखते 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 आपको याद होगा, और लिखिए तो प्रेजेंट ऑफ माइंड होकर। तो स्टूडेंट, चलिए आज फिर से देखते हैं कि कॉस 3x का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, कॉस 3x बराबर, 3x को हम पहले बताए हुए हैं कि cos 3x यानी 3x को 2x प्लस x लिख सकते हैं। 2x प्लस x इक्वल टू 3x होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि cos 2x प्लस x जो आपके क्या है, cos a प्लस बी के फॉर्म पे है। यानी a प्लस बी का फॉर्मूला को देखिए, cos a प्लस बी बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे cos 2x प्लस 3x बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए इसको cos 2x इंटू cos x प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा sin 2x इंटू sin x। तो स्टूडेंट, यानी cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, यानी इसको a मान लेते हैं, इसको b। तो स्टूडेंट, cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। cos a माइनस b बराबर होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। तो स्टूडेंट, इसी फॉर्म पे रखेंगे, यानी cos a प्लस b बराबर होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो यहाँ पर देखिए cos 2x और इंटू cos x माइनस sin 2x इंटू sin x। तो स्टूडेंट देखिए, cos 2x बराबर क्या होता है, 2 cos² x माइनस 1 इंटू cos x माइनस sin 2x को लिखेंगे sin 2 sin x इंटू cos x इंटू sin x है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे 2 cos² x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos² x माइनस 1 जो है ये cos² cos x से गुना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos³x माइनस cos x। उसके बाद देखिए 2 sin x इंटू sin x है इंटू cos x है, तो 2 sin² x इंटू cos x हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, 2 cos³x माइनस cos x माइनस 2 sin² को तोड़िए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos² x इंटू cos x हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे 2 cos² x माइनस cos x माइनस 2 माइनस 2, अब देखिए ये जब गुना होगा तो 2 cos x हो जाएगा माइनस 2 cos³x हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए, 2 cos³x और यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ इधर इधर जुड़ जाएगा, तो 4 cos³x ये क्यूब एक्स है। उसके बाद माइनस cos x और माइनस 2 cos x, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 cos x। यानी 2 cos³x इक्वल टू होता है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, cos³x होता है 4 cos³x माइनस 3 cos x होता है। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्लासेज होने वाली है आप लोग के tan 3x